तुमने सत्य ही कहा था पार्वती, तुम हमारे बिना ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम ऐसे छिप छिप कर आवत हो? तुमका का लाज विचार ना ही है का? कौन हो तुम? तुम हमका ना ही जानत का? जाओ यहाँ से, हम ना ही जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती, हम पार्वती ना ही पर्वतिया है, पर्वतिया हाँ और होगी, हम ना ही है। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते? क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? भैया री भैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ कोई सुनेगा तो का कहेगा, इनार इन मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं, हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। मैं महारानी जी सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या है अपने पति का? नहीं, पति का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकार वश हमें छोड़कर चली गई है? क्या ये हमारा भ्रम है? तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा, क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है हम ना ही जानत कौन हो तुम। ऐसा कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कह रहा, कहती है हम पार्वती ना ही पर्वतिया है, पर्वतिया यहाँ काहे आए हो, चले जाओ यहाँ से। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए।
इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक वनवासी बस्ती में, जहाँ वो स्वयं एक वनवासी कन्या बनी हुई। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है, मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देवी, आप मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है? अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ है? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य है देवर्षि। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है, किंतु मैं अवश्य दोनों का पता लगा कर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महान नृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिनों रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने और प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो जाएंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करें। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ लौटा दूं। ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी सज्जन का मनोरंजन नहीं कर सकते। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अपन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। केवल उनसे भेंट करने आया। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठने वाले सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर? वे केवल रसिक, मैं महानंदा। वे केवल
धन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हट योगी पधारे। केवल योगी कहना ही पर्याप्त है। अरे पापा देख लो चलाया है ना, बंद कराएगा। अपन महारानी की।